टर्मिनल बनाया हुआ है इन्होंने नीचे से गुजरने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त अहबाब अल्लाह ताला की फजलो करम से खैरियत से होंगे। तो लास्ट व्लॉग जब मैं बना रहा था तो मुझे ज़ुकाम और गले का प्रॉब्लम तकरीबन हो ही गया था, आपने देखा होगा, बीच में डिस्टरबेंस हो रही थी। तो मैं फिर दो तीन दिन का गैप पड़ गया, अदरवाइज़ मैंने प्रोग्राम यहीं बनाया था कि एक दिन छोड़ के एक दिन जो है ना वो मैं वीडियो बनाऊंगा। तो रूटीन व्लॉग से ज़रा ये मैंने हट के बनाया है। ये मैंने पिछले दिनों आपको ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, वो लाहौर की दिखाई थी और आपने उस पर कोई इतना ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि कम ही मिल रहा है। बहरहाल तो अब मैंने आज का ये प्रोग्राम था कि आज मैं जो मेट्रो बस है जो लाहौर की 2012 में ये इसका आगाज़ हुआ था, तो बड़ी एक सक्सेसफुल जो ट्रांसपोर्ट में इजाफा है और इंतहाई वो सक्सेसफुली रन कर रही है, बेशुमार मुसाफिर जो हैं वो उससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। तो आज मैं आपको ना मेट्रो के स्टेशन और मेट्रो और थोड़ा सा उसके मतलब बताऊंगा। मेट्रो बस शाहदरा जीटी रोड से गजुमता तक चलती है और इसका टोटल रूट जो है वो 27 किलोमीटर है और ये 64 बसेस का इसका फ्लीट है और 27 इसके स्टॉप हैं जो रोज़ाना तकरीबन 2 लाख मुसाफरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। तो शाहदरा मोड़ के बिल्कुल साथ से ही ये इसका जो मेन टर्मिनल है जहाँ से ये टर्न लेती है और फिर गजुमता तक जाती है, तो ये वहाँ से मैं आपको स्टार्ट दिखाने लगा हूँ। आप देखें बड़ा खूबसूरत इन्होंने अपना जो मेट्रो स्टेशन बनाया हुआ है, लेटेस्ट सिस्टम है, यहाँ पे आप 30 रुपए की इसकी टिकट है स्टार्ट से ले कर एंड तक, आप जिधर मर्ज़ी उतर जाएँ। तो ये आप कार्ड भी बनवा सकते हैं और आप यहाँ से टोकन भी ले सकते हैं। तो ये हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। तो देखें अब रश बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीडियो जो है वो नहीं बना सकता, ना इसको प्रॉपर आपको उस अंदाज़ से जो मैं सोच रहा था दिखा सकता हूँ। तो ये मैं रास्ते से आपको थोड़ा थोड़ा दिखाता जाऊँगा। ये आज़ादी चौक मीनारे पाकिस्तान का कुछ एरिया, इसका ट्रैक सेपरेट बना हुआ है और ये तकरीबन 8.6 किलोमीटर जो है वो ओवरहेड ब्रिज है और यहीं से आज़ादी चौक के बिल्कुल आगे से ही ये ओवरहेड ब्रिज स्टार्ट हो जाता है और ये कजाफी स्टेडियम के करीब इछरे यानी कि नहर को क्रॉस करते हैं तो तब ये नीचे ट्रैक वापस चला जाता है ज़मीन के बराबर। तो मैं अनफॉर्चुनेटली आपको पूरी मूवमेंट जो मैंने बताई है वो दिखा नहीं सका। फिर उसके बाद आप आगे देखेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज जिसे उर्फ़ आम में जीसी कॉलेज बोलते हैं, ये एक पूरा ब्रांड है
वहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, और नासर बाग को आप थोड़ा सा देखें। तो इसके अलावा मैं, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मुख्तलिफ़ स्टॉपों पे उतरूँ और उतर के आपको पूर प्रॉपर दिखाऊँ, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं मुकम्मल नहीं कर सकता। तो फिर जहाँ तक पॉसिबल है मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेट्रो में बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से मैं सेक्रेटेरिएट वाले मेट्रो स्टेशन पे उतर गया, और दोबारा वापसी वाली जो मेट्रो है उस पे बैठा, और यादगार वाले स्टेशन तक का सफ़र फिर दोबारा किया। और इस सफ़र के दौरान मैं आपको नहीं दिखा सका क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और धक्कमपेल थी, तो इसलिए मैं इस स्टेशन पे उतर गया। ये जो यादगार वाला मेट्रो स्टेशन है, ये बड़ा खूबसूरत है। इसके आप देखें जो नीचे रास्ते बने हुए हैं, ये चूंकि दरमियान में बिल्कुल सड़क के आ जाता है और दोनों तरफ में डिस्टेंस है, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत स्टेशन बनाया हुआ है। नीचे से पूरा कॉरिडोर बना हुआ है अंडरग्राउंड, और ये देखें इसकी खूबसूरती, आप फ्लोर देखें, दीवारें देखें, दीवारों पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ मशाहिर जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी तस्वीरें हैं। और मैंने कहा कि चले मैं इसकी थोड़ी सी आपको झलक दिखाऊं। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें, उम्मीद है कि आपको हमारी काविश अच्छी लगी होगी। आप बराए मेहरबानी हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अपना, अपने दोस्तों का, अजीज़ो कारब का ख्याल रखें। आने वाले व्लॉग तक के लिए खुदा हाफिज़।